जारे तुरी रसगुल्ला खिला हूँ, मोर भुइया के बोली में तोला सिखा हूँ, कॉलेज में पढ़थस ऊ पढ़थस पढ़ाई नी, जाके एक बात तोर दाईला बता हूँ। दोस्तों अगर आपको इस तरह के व्हाट्सएप स्टेटस पसंद है जिसमें टेक्स्ट में बहुत सारे डांसिंग एनिमेशन होते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप व्हाट्सएप स्टेटस कैसे बना सकते हैं और साथ ही व्हाट्सएप स्टेटस के जो लिरिक्स होते हैं उसमें आप डांसिंग एनिमेशन कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइन मास्टर। अगर आप विदाउट वाटर मार्क एक काइन मास्टर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना काइन मास्टर ऐप ओपन कर लेना है और प्लस के आइकन में क्लिक करके 16:9 का रेशियो चुन लेना है। उसके बाद मीडिया में जा करके आपको एक सिंपल सा बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। आप कोई भी रंग का ले सकते हैं, मैं ब्लैक रंग का सिलेक्ट करता हूँ। आपको स्टेटस का साइज जितना लंबा रखना है उतना आप इस स्लाइड को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप अपने फाइल से अपने गैलरी से जो भी सॉन्ग का आप स्टेटस बनाना चाहते हैं उस सॉन्ग को आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर एक सीजी सॉन्ग ले रहा हूँ क्योंकि अगर मैं बॉलीवुड का कोई भी सॉन्ग लूँगा तो उसमें कॉपीराइट आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आपको समझाने के लिए मैं एक छत्तीसगढ़ी क्षेत्रीय सॉन्ग सिलेक्ट कर रहा हूँ जो कि एक रैप सॉन्ग है। उसको मैं प्लस करके, यहाँ पर प्लस आता है सॉन्ग को अगर प्ले करेंगे तो उसमें ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर भी आपको सॉन्ग के जिस पार्ट का स्टेटस चाहिए उसको आप क्रॉप कर लेंगे जिसका हमको स्टेटस बनाना है। चलिए मैं सॉन्ग के उस पार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसका मुझे ज़रूरत है, जिसका मुझे स्टेटस बनाना है। बाकी के पार्ट को मैं ट्रिम करके डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्ट किए हुए सॉन्ग को ट्रिम करने के बाद हमको इस सॉन्ग को थोड़ा सा सुन लेना है कि उसमें क्या लिरिक्स क्या है उसके। उसके बाद उस लिरिक्स को लेयर के ऑप्शन में जा करके हमको टाइप करना है, मतलब इस सॉन्ग में जो लिरिक्स चल रहा है उसको लिखना है। उसके लिए हमको लेयर के ऑप्शन में जाएंगे प्लस उसके बाद टेक्स्ट के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि उस सॉन्ग में क्या चल रहा है। चलिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर चल रहा है छत्तीसगढ़ी लिरिक्स है। यहाँ पर आपको लिरिक्स हिंदी या इंग्लिश आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फंट चेंज कर लेना है, इसमें आपको एक बोल्ड सा कोई फंट लेना है जैसे कि मैं ये वाला ले लेता हूँ जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसके बाद इस लिरिक्स का जो लेयर है उसको आप अपने हिसाब से ट्रिम या डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि जहाँ पर सॉन्ग चल रहा है वहाँ तक ही रखें। उसके बाद जो सॉन्ग नहीं चल रहा है, मतलब दूसरा सॉन्ग चल रहा है उसके आगे, उसको हम ट्रिम करके डिलीट कर देंगे। यहाँ तक सिलेक्ट करके हम इसके बाकी भाग को ट्रिम कर देते हैं। उसके बाद इस लेयर को हम जूम कर लेते हैं क्योंकि जूम करने के बाद ही इसका एनिमेशन अच्छे से होता है। उसके बाद आपको देखना है कि इस लिरिक्स में कितने वर्ड हैं। इसमें दिख रहा है आपको 4 वर्ड हैं, तो हम इसको इस लेयर को 4 बार कॉपी कर देते हैं, मतलब 4 बार डुप्लीकेट कर देते हैं जिससे हमको लिरिक्स को यहाँ वहाँ एनिमेशन देने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगा। अब आपको फर्स्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करना है, उसके आजा रे को छोड़ना है, मतलब फर्स्ट वर्ड को, उसके बाद बाकी को डिलीट कर देना है। देखो ये पीछे हो रहा है, इसको ना ब्रिंग टू फ्रंट करके आगे ले जाते हैं। उसके बाद इसको एक जगह सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद इसको इन एनिमेशन देते हैं जो कि एक ट्रेंडिंग में चल रहा है, स्केल डाउन का, उसको हम दे देते हैं। और इसका स्पीड सेकंड नंबर लग देते हैं जो कि बहुत फास्ट होता है इस तरह से। उसके बाद उसके नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करते हैं, उसको वहाँ से ट्रिम कर देते हैं उसके सामने भाग को क्योंकि वहाँ पर एंट्री होगा। उसके बाद उसको सिलेक्ट करते हैं, उसके जो वर्ड हैं आजा रे उसके बाद जो सेकंड वर्ड है उसको सिलेक्ट करते हैं, उसमें एनिमेशन देते हैं जैसे अभी पहले दिए थे। ये भी पीछे हो गया है, इसको सामने कर देते हैं। उसके बाद इसको इसी के ऊपर रखते हैं और इसको भी इन एनिमेशन दे देते हैं उसी तरह से जैसे पीछे अभी दिए थे, स्केल डाउन का। इसकी स्पीड भी फास्ट कर देते हैं। अब देखिए जो पहला वर्ड है उसी के ऊपर दूसरा वर्ड भी आ गया है, तो पहले जो ऐड किए थे उस वर्ड को हमको वहाँ से हटाना है। उसके लिए साइड में चाबी का निशान दिख रहा है, वहाँ पे टच करेंगे और इधर प्लस के निशान में टच करेंगे। उसके बाद उस लिरिक्स को पकड़ कर हम अपने मनचाही जगह पर कहीं भी ले जाकर रख देंगे तो वो लिरिक्स एनिमेशन के अंदाज में यहाँ से वहाँ डांसिंग की तरह दिखने लगेगा। मैं इस लिरिक्स को यहाँ नीचे इस जगह पर रख देता हूँ, यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिख रहा है दोनों। और साथ ही मैं आपको बोलूँगा कि जहाँ पे प्लस का निशान को टच किए थे वहाँ पर 3 डॉट लगाइए, मतलब 3 बार करिए। तो उसके बाद जो बीच में है उसको ना उसको लिरिक्स को पकड़ कर इसे ऊपर करेंगे, फिर थोड़ा तिरछा करेंगे, इससे ना काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लगता है। जैसे कि मैं अभी प्ले करके दिखा देता हूँ थोड़ा ऊपर, ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये देखिए
इस तरह से हर एनिमेशन में इसी 3 डॉट लगाना है, उसके बाद उसको एनिमेट करना है। दोस्तों इसके बाद जो थर्ड नंबर की लेयर है जिसमें थर्ड नंबर का लिरिक्स लगा हुआ है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और उसके सामने भाग को क्रॉप कर देंगे। उसके बाद उसके एडिट करेंगे उसके फंड को, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ड आना चाहिए तीसरे नंबर का वर्ड, उसको ओके करेंगे और उसको उसी जगह पर मस्त जहाँ पर आपको सुविधा लगे अच्छा दिखे वहाँ पर सेट कर देंगे पहले के जैसे ही। उसके बाद उसमें इन एनिमेशन लगा देंगे। मैं थोड़ा ये वाला एनिमेशन लगा देता हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी अच्छा सा एनिमेशन लगा देंगे। उसके बाद जो उसके पहले जो वर्ड था उसको हटाने के लिए पिछली बार की तरह ही चाबी के आइकन में क्लिक करेंगे। उसके बाद उसको वहाँ से अपने जो जगह अच्छा लग रहा है वहाँ पर ले जा के रख देंगे और 3 डॉट ही करना ही है क्योंकि बीच में अच्छा सा कोई एनिमेशन हम दे सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पर थोड़ा तिरछा कर देते हैं और अगर इसको हम प्ले करेंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है अपनी जगह पर। दोस्तों अब हमारा 4th नंबर का वर्ड बचा जिसको हम उसी प्रकार से इसके सामने को पहले तो क्रॉप कर देंगे, उसके बाद इसके जो लिरिक्स हम लिखे हैं उसको एडिट करेंगे क्योंकि लास्ट वर्ड है, बाकी के पहले वर्ड को हम डिलीट कर देंगे जैसे पहले किए थे वैसे ही। ये भी नीचे हो गया है तो इसको ऊपर करेंगे ब्रिंग टू फंड करके। उसके बाद इसको एक अच्छी सी जगह पर सेट करेंगे जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ इन एनिमेशन भी लगाना है, इन एनिमेशन में वही लगाएंगे स्केल डाउन का जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद हमारा बचा उससे पहले जो लिखे थे वो वाला वर्ड जिसमें हम चाबी के आइकॉन में क्लिक करके वहाँ पर एनिमेशन देंगे, उस वर्ड को वहाँ से हटाएंगे अपने सुविधा अनुसार जो भी जगह अच्छा लगे वहाँ पर। मैं ऐसे यहाँ पर रख देता हूँ। इसमें भी मैं पहले के जैसे 3 बार प्लस में क्लिक करके थोड़ा तिरछा और बड़ा कर देता हूँ काफ़ी अच्छा दिखने के लिए। और यहाँ पर देख रहे हैं हम जो वर्ड लिखे हैं जो वर्ड को वहाँ पर ले जाया गया है उसी के साथ ये जो थर्ड वर्ड मतलब दूसरे नंबर का जो वर्ड है वो भी उसके ऊपर ही आ रहा है, मतलब उसके नीचे ही आ रहा है। तो मैं उस दूसरे नंबर के वर्ड को भी इस चाबी का आइकन में क्लिक करके उसको वहाँ से हटा दूंगा और अच्छी सी जगह पे जैसे मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ आ जा के सामने। उसके बाद उसमें भी 3 डॉट लगाकर एनिमेशन दे देता हूँ, कैपिटल कर देता हूँ इसको बड़ा और थोड़ा तिरछा तो है ही, ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। देखो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पर हम कलर डाल सकते हैं अपने हिसाब से जो जो कलर आपको पसंद हो, मैं ये 3 में कलर डाल देता हूँ ऐसे। आपको अपने हिसाब से कोई भी कलर डालना है उसके बाद सेव कर देना है। अभी मैं प्ले करके दिखाता हूँ कितना अच्छा लगता है उसको, चलिए प्ले करते हैं। ये देखिए काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। दोस्तों इसी तरह से आप पूरा एनिमेशन स्टेटस बना सकते हैं 30 सेकंड का, अभी तो छोटा सा डेमो टाइप ही दिखा था, उसमें पूरा आप बना सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा जिसमें आप टच करके आप वीडियो को अपनी गैलरी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको फुल HD में 1080p और इधर फ्रेम रेट 30 और उसके क्वालिटी जो ब्रीथ होता है उसको हम पूरे हाई कर देंगे, इससे फुल HD वीडियो आपके गैलरी में सेव होगा और ज़्यादा MB का भी नहीं होगा, कम से कम में होगा। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और अगर आपको काइन मास्टर चाहिए विदाउट वाटरमार्क तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।